इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। जळगावचे नवी ओळख वस्त्रनगरी घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड राधाकृष्ण नगर चौक छत्रपती शिवाजी नगर जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन जळगाव। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जुर्म इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और जुर्म बढ़ता जा रहा है तो आप लोगों को सतर्क होने की भी जरूरत है। यूं तो दिल्ली पुलिस ने बड़े बड़े दावे किए थे कि 31 दिसंबर को लगभग 30,000 पुलिसकर्मी दिल्ली की सड़कों पर मौजूद रहेंगे जिससे कानून व्यवस्था बनी रहेगी, ड्रिंक एंड ड्राइव जो है वो भी नहीं हो पाएगा, जुर्म पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन 31 दिसंबर की रात को जो हादसा एक 23 साल की लड़की के साथ हुआ उसने दिल्ली पुलिस की सारी कलाई खोल दी है। दिल्ली पुलिस किस तरीके से नाकामयाब रही ये बात इस पर ही डिपेंड करती है कि दीपक नाम का एक लड़का जो सुबह 3:15 बजे फोन करता है तो भी पुलिस किसी तरह से कोई एक्शन नहीं लेती है और काफी देर तक दीपक नाम का एक लड़का ही उस लड़की के जिस गाड़ी के नीचे वो लटक रही थी उस गाड़ी का पीछा करता है। बलेनो गाड़ी थी जिसके नीचे लड़की जो है वो घसीट कर जा रही थी। दीपक सुबह 3 बजे क्या कर रहा था ये बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल आया होगा। दरअसल दीपक जो है वो दूध का बिजनेस करता है और सभी लोग आप जानते होंगे कि जो लोग दूध का व्यापार करते हैं वो सुबह सुबह 3:30 बजे के लगभग ही दूध की गाड़ियां आ जाती है, दूध जमाना शुरू कर दिया जाता है, दूध को जगह तक पहुंचाना शुरू कर दिया जाता है ताकि सुबह सुबह लोग आए और दूध लेकर चले जाए, क्योंकि 5-6 बजे से ही दूध का बिजनेस तो शुरू हो जाता है, दूध लेने वाले लेकर जाते हैं। तो दीपक जो था वो दूध की ट्रैंकर का गाड़ी का इंतजार कर रहा था तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज ऐसी होती है जैसे किसी गाड़ी का टायर फट गया हो, उसकी हवा निकल गई हो, तो धड़धड़ धड़धड़ जो आवाज आती है उस तरीके की आवाज आ रही थी। दीपक ने देखा कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, जब वो गाड़ी उसके पास से क्रॉस करने लगी तो आंखें उसकी चौंधिया गई, चौंक गया। क्यों? तो उस गाड़ी में एक शव जो था वो लटका हुआ था कपड़ों से। वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, डर गया। कुछ देर सब कपाने के बाद उसने अपनी जेब से फोन निकाला, 100 नंबर डायल किया, उसने सारी परिस्थितियां बताई कि एक ग्रे कलर की बलेनो गाड़ी है जिसके नीचे एक शव लटक रहा है। पुलिस वाले पूछते हैं शव क्या कफन में लटक रहा है, कैसे लटक रहा है, आप वहां क्या कर रहे थे, आप वहां क्यों खड़े थे, कौन सी है गाड़ी का क्या नंबर है, वगैरह वगैरह सारी जानकारी हासिल कर रहे थे। इसमें लगभग 10-15 मिनट निकल गए और 10-15 मिनट निकल जाने के बाद जब रहा नहीं गया दीपक से पुलिस वालों की बातचीत से खींच गया था एक तरह से, तो उसने अपनी स्कूटी निकाली और उस गाड़ी का पीछा करने का फैसला किया। गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी क्योंकि ये कंजा वाला जो इलाका है रोहिणी का, दिल्ली रोहिणी का, वहाँ सड़कें बहुत खराब हैं, बहुत ही गड्ढे हैं, तो गाड़ी ज़्यादा स्पीड में चल नहीं सकती है वहाँ पर, तो धीरे चल रही थी। इसने भी स्कूटी निकाली और पीछा करता रहा, फोन पर पुलिस वालों को सारी जानकारियाँ देता रहा, लेकिन फिर भी पुलिस एक्शन में तब तक तो नहीं आई थी। रास्ते में एक PCR वैन भी, एक जिप्सी भी मिली थी बताया जाता है दीपक को। दीपक ने उस जिप्सी वाले से भी कहा कि भाई इस तरीके की बात हुई, लेकिन वो भी चला गया, उसने भी कुछ हेल्प नहीं की। आगे जाकर यू टर्न लिया उस बलेनो ने, तो दीपक को लगा कि अभी ये यू टर्न लिया, अब स्कूटी के बजाय मैं 4-व्हीलर से इसका पीछा करना चाहिए। उसने अपनी 4-व्हीलर बलेरो गाड़ी जो है वो निकाली, कुछ दूर तक पीछा किया और एक टर्न पहले ही दीपक ने टर्न कर दिया, इस वजह से गाड़ी मिस हो गई और गाड़ी निकल गई चली। उधर एक स्कूटी जो है वो सड़क पर पड़ी मिली किसी को, तो पुलिस स्टेशन में फोन आया कि स्कूटी मिली है, उसके पास चप्पल भी मिली थी किसी लड़की की। तो ये जो चीजें हुई तो पुलिस वालों ने स्कूटी का पता निकाला कि कहाँ है और धीरे धीरे पुलिस अपनी छानबीन करते हुए स्कूटी तक पहुंच गई। इधर दूसरी तरफ फोन आया था कि एक लड़की जो है वो बिना कपड़ों के यानी नग्न अवस्था में पड़ी हुई है और बहुत ही हाल जो है उसके बहुत ही ज्यादा खराब हैं उस शव के। पुलिस वहां पे पहुंची, धड़ाधड़ सभी कुछ शुरू हो गया, तब तक तो उजाला हो गया, मतलब दिन निकल चुका था।
5:30 बज रहे थे, पुलिस वालों ने दोनों चीजों को मैच किया तो पता चला कि ये स्कूटी जो है उसी लड़की की है जो अमृत अवस्था में पाई गई है। घर स्कूटी के डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ पता करने के बाद उसकी माँ के पास पहुंचे पुलिस वाले। माँ को बोला गया कि आपकी लड़की का एक्सीडेंट हो गया, आपको अस्पताल चलना पड़ेगा। माँ ने सोचा कि ऐसे ही कुछ चोट वोट लगी होगी, चलो चल के देख लेते हैं। जब आया तो जो शव था उसको देख कर सभी डर गए, क्योंकि आप सोचिए, बताया जाता है कि ये जो लड़की थी इस लड़की को लगभग 13 किलोमीटर तक घसीटा गया, मतलब वो फंस गई थी कार के नीचे तो 13 किलोमीटर तक घसीटा गया। साहब थोड़ी दूर आप कपड़ा घसीटेंगे तो कपड़ा फट जाएगा, उसकी चिंदी चिंदी निकल जाएगी, तो लड़की का क्या? लड़की के शरीर पे जिस तरफ से वो घसीटी जा रही थी उधर सिर्फ और सिर्फ हड्डियां बच रही थी। साहब जो बदन पर गोश्त रहता है वो तो था ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा विभत्स दृश्य था जो सोशल मीडिया पे भी आ गया था और बाद में लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें जांच तो साइड की बात हो जा रही है, राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी वालों पर इल्जाम लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब ये देखिए, देश का भविष्य देखिए, लड़की की मौत पर भी राजनीति करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, किस तरीके से मदद की जा सकती थी, क्यों नहीं की गई, क्या सुधार करना चाहिए तो छोड़ दीजिए, उस पर भी राजनीति शुरू कर दी। और नई नई बातें, नए नए राज जो हैं वो लगातार खुलकर आते जा रहे हैं। बताया जाता है कि जो खुलासा हुआ उसमें लड़कियां जो हैं ये 7 बजे से ही एक होटल में कमरा बुक किया था उन्होंने, और लड़की के साथ उसकी सहेली भी थी। दोनों उस होटल में पहुंचते हैं 31 दिसंबर की शाम मनाने के लिए, और होटल के जो स्टाफ से उन्होंने बताया कि ये लड़की जो है ये पहले भी आ चुकी है होटल में किसी के साथ। तो इस दिन जो है और 2-4 लोग, लड़के लोग भी थे, उनके साथ आए थे और ये लोग धुमा मस्ती कर रहे थे, ड्रिंक वगैरह भी की गई थी ऐसा भी पता चल रहा है। अचानक लड़ाई झगड़ा होने लग गया दो सहेलियों के बीच में, तो लोगों ने इनको समझाया बुझाया, आखिरकार नहीं माने तो उनको बोला गया कि भाई आप बाकी गेस्ट्स को डिस्टर्ब हो रहा है तो आप यहाँ से निकल जाइए, और फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। तो ये जो दोस्त थी वो पहले तो वो गाड़ी चलाती हुई दिखाई गई, एक CCTV फुटेज सामने आया उसमें, बाद में देखा गया कि वो जो जिस लड़की का की मौत हुई है वो गाड़ी चलाते हुए भी दूसरे CCTV में दिखाई दी। और ऐसा बताया जा रहा है कि जब एक्सीडेंट हुआ ये तो लड़की थोड़ी घायल हुई और डर गई और वो वापस चली गई थी। तो रात के 2 बजे के करीब ये इस तरीके का हादसा हुआ होगा, ताकि 3:15 बजे दीपक नाम का जो व्यक्ति है वो है सो पुलिस को फोन लगाया था, और जब उसकी दोस्त ने इस हादसे को देखा, गिरते हुए देखा, तो वो डरकर भाग गई। ये जो कार है, ये कार भी, ये जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं, इन 5 आरोपियों का नाम है अमित खन्ना, मनोज मित्तल, कृष्ण मिथुन, ये लोग थे जो कार में बैठे हुए थे। और ये कार भी इनकी नहीं थी, कार भी इन्होंने किसी आशुतोष नाम के व्यक्ति से उधार मांग कर लाई थी घूमने फिरने के लिए। अब पुलिस तो कार का नंबर देखकर पहुंच गए आशुतोष के पास, और आशुतोष ने बताया कि ये तो जो कार है वो मैंने मेरे दोस्तों को उधार दी थी चलाने के लिए। अब उसके अंदर एक और चीज ऐसी ध्यान में है कि जब कोई चीज आपकी कार से लगी हुई रहती है तो आपको आवाज आएगी, तो जब आवाज आ रही थी तो जो ड्राइव कर रहा था कार, उसने बोला भी ड्राइवर ने कि कुछ तो भी लग रहा है कार के नीचे फंस गया है या, पर सभी ने नशा कर रखा था तो नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो चलो, और ये लोग चलते रहे। जब ड्राइवर को लगा कि नहीं कुछ तो भी है, उसने बोला, जब देखा गया तो लड़की का हाथ दिखाई दिया, और जब हाथ दिखाई दिया तो सबके छक्के छूट गए और सभी ने आनंद फानंद में उतर के सब कुछ देखा, और वो लाश तो जो शव था वो वहीं छोड़ दिया गया और भाग गए चुपचाप जाकर, वो जो गाड़ी थी वो गाड़ी अपने दोस्त को दे दी। अब पुलिस जांच कर रही है, इस पर राजनीति भी हो रही है, जो कार में बैठे थे उन लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, और उन पर गैर इरादतन हत्या, लापरवाही
से मौत और आपराधिक साजिश रखने का भी मामला दर्ज कर लिया गया। और इसमें पूरी चीजें जो है वो अब सामने आएगी जब पुलिस और जांच करेगी। जो लड़की थी वो अपने माँ और छोटे भाई बहन के साथ उत्तर पश्चिम दिल्ली के अमन विहार में रहती थी वो, और उसके पिता जो थे उनकी कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी। जो लड़की है उसकी माँ ने आरोप लगाया है कि इसके साथ कुछ यौन उत्पीड़न तो नहीं किया गया है, ये भी उसके अंदर चेक किया जाए। और क्योंकि कपड़े जो है वो फट गए थे जिस तरीके से, तो उसका कहना था कि भाई कुछ तो भी गलत इसके साथ यौन उत्पीड़न वगैरह भी हुआ है। खैर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सवाल तो फिर भी वही उठता है कि 12-13 किलोमीटर तक कोई पुलिस वाला नहीं था, वो भी ऐसे समय पर जब दिल्ली पुलिस दावा कर रही थी कि 30,000 के लगभग पुलिस फोर्स सड़कों पर रहेगी। साहब बाकी सब तो छोड़ दीजिए, जो चौकी वहां पर है, बताया जाता है चौकी पे तो कई सालों से ताला पड़ा हुआ है, वहां चौकी खुलती नहीं है। इतनी दूर तक सब कुछ चलता रहा, कोई भी नहीं देख पाया उस दिन उस रात को, जबकि 31 दिसंबर की रात को तो दिल्ली जैसी जगह पर काफी सारी भीड़ भाड़ हुआ करती है। कहने का मतलब यह है कि क्या ये फेल्योर जो है वो पुलिस वालों का नहीं है? पुलिस वाले क्या कर रहे थे इतनी दूर तक अगर इस तरीके की चीजें चल रही? कहीं तो बैरिकेड्स लगा होगा किसी चौक पर, किसी चौराहे पर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। ये सिर्फ कागजों पर 30,000 लोग शायद काम कर रहे थे जिस वजह से यह घटना घटी है। और फ्यूचर में इस तरीके की घटना न घटे इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, आप अपना ख्याल रखिए, और हम आशा करते हैं कि आप सभी का परिवार सकुशल होगा। नया साल जो है वो आपके लिए खुशियां लेकर आएगा, कहीं गम है तो कहीं खुशी है, लेकिन आपको हारना नहीं है, लड़ते रहना है हालात के साथ, अपने आप के साथ, जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके साथ, हम आपके साथ हैं। अगर आपको हमारी बातें, हमारी खबरें अच्छी लगती हो, आप चाहते हो कि हम आगे बढ़ें और लोगों तक हमारी बातें पहुंचाने के लिए, हमारी खबरों को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि जो कुछ भी खबरें हो वो आप तक जरूर पहुंचे। जय रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।